अपने मुँह से वर्णन करत अच्छा नहीं लगता, कोई करे तो अच्छा लगता है। अब 50 साल हो गया, सब श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, जो मांग रहे हैं वो मिल रहा है, माता जी इसको दे रही है, उनकी कृपा बरस रही है सदाई और बरसती रहेगी आदि अंत तक। सबसे बड़ा पहचान और तप होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर तप रहेगा, पहचान अच्छी है तो भगवान अपने पास ही खड़े हैं। हाँ, यही मेरी कथा है। मैं भक्ति में लीन हूँ, सब बच्चों को आशीर्वाद दे रही हैं कि वो सदा ही भक्ति में लीन रहे, तब उनकी भक्ति से सब कुछ मिलेगा जी। अपने से कुछ नहीं मिलता, जब तक भगवान की भक्ति ना हो माता का कुछ मिलता नहीं। बिल्कुल सही बात है। अब क्यों कहें कि यहाँ कितने लोग ठीक होते हैं। हाँ, आएगा, आँखों देखा हाल है देखेगा, वो खुद मेरी प्रशंसा करे तो अच्छा लगेगा जी। मैं अपने मुँह से नहीं कर सकता। माता जी काफ़ी लोग यहाँ से स्वस्थ हुए हैं, सब हो गए, सैकड़ों की क्या बताएं, करोड़ों लोग हो गए। 50 साल का दिन गिनो, कोई आज भी दिन में आते हैं, लाभ लेकर चले जाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब माता जी की क्या कथन। अब तो मैं विरक्त हो रही हूँ, अब उम्र हो रही है, 70 साल की हो गई। हमेशा तुम्हें माँ तुम्हें हो, तुम्हें माँ तुम्हें हो, उन्हीं दिखती है, मगर कोई दिखता नहीं। लेकिन माता जी हम आपको उसी रूप में देखते हैं। अच्छा, ये तो आपकी मानता है। बस इतना मैं चाहती हूँ कि इतनी भक्ति भर दूँ अपने बच्चों को कि ये चुके ना। माता जी, जो अपने धर्म के लिए लोग को साथ क्या संदेश देना चाहेंगी। धर्म देखिए, सब भगवान के बच्चे हैं, चाहे मुसलमान हो या हिंदू, खून तो एक है, इसमें मैं संदेह नहीं रखती, क्योंकि मेरा माँ का पद है। माँ कभी नहीं देखती कौन किसका बच्चा है, मैं तो अपना बच्चा दिखाई देता हूँ हर व्यक्ति में, हर व्यक्ति, चाहे हरजन हो या पासी हो या मुसलमान हो या पंडित हो या ठाकुर, एक भांति मैं रखती हूँ। लेकिन किसी की सोच अच्छी होती है और किसी की सोच गलत होती है। गलत इसलिए होती है कि उसको जो दिया गया संस्कार का प्रभाव पड़ता है बेटा, इसको मानना पड़ेगा। अगर अच्छे के लोग बैठोगे तो अच्छी तो मिलेगी, और बुरे के बैठोगे तो कुछ तो बुराई होगी। लेकिन मैं अपने मुँह से किसी बुराई करती नहीं, यही देती हूँ कि भगवान सब कुछ है, माता रानी, अब उसके आगे क्या है? अपने मुँह से बखान करना अच्छी चीज़ है जी। अब अच्छू मंत्र भी नहीं जानती कि मैं ये कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। मंदिर है अपना, साक्षात भगवती का स्थापना हुआ है, और सुबह शाम उनका स्मरण करती हूँ। पूजा में कोई कमी नहीं है, अब करती रहूँगी बगैर पूजा। मेरी ये कथा है कि बिना पूजा किए मुझको आनंद ही नहीं आता जी। मैं बीमार रहूँ या माता जी। आरती का समय क्या है यहाँ पर? आरती का 6 बजे सुबह, 6 बजे शाम, 6 बजे शाम। बड़ा अच्छा लगा। जैसे प्रातःकाल आनंद आता है जी, ईश्वर वेला में पूजा करना हाँ अच्छी चीज़ है। बिल्कुल। अब जैसे आदमी स्नान किया, मंजन किया, अपना कारोबार निभा लिया हाँ, तो पूजा किया तो अच्छी नहीं है हाँ। उनको पहले सजाओ तब अपना सजो, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तुम लोगों को भी मैं आशीर्वाद दे रही हूँ कि मुझसे इंटरव्यू ले रहे हो, सदा ही सुखी रहो। अरे माता जी, आपका आशीर्वाद बना रहे, आपका आशीर्वाद। मैं इतना जरूर कल्पना करती हूँ कि ये मेरे तप से, मैं बचपन से ही तप कर रही हूँ कि एक स्थान ऐसा बने कि सब उसमें ना आए, जैसे गंगा जी। बिल्कुल माता जी, आपका आशीर्वाद। गंगा जी का ये तपोभूम है मवई धाम, जेठू मवई था, मवई धाम अब बन गया। ये तो अच्छा, अच्छी मेरे रहने से या जाने से कल्याण होता रहे, मैं रहूँ या ना रहूँ। यहाँ पे साक्षात दुर्गा जी मानव के रूप में अवतार ली है और सुबह शाम मंदिर में बैठती हैं, और जिनको माँ जनाती हैं वही लोग जान पाते हैं। यहाँ पे साक्षात दुर्गा जी जो अपने मुखारविंद से कह देती है माता जी, वही होता है जी जी। और यहाँ बहुत दूर दूर के लोग आते हैं, नज़दीक वाले नहीं आते हैं। नज़दीक वाले अब भाई गंगा जी किनारे पर रहने वाले गंगा जी का महत्व नहीं जानते। यहाँ पे दूर दूर के लोग आते हैं और सबका कल्याण माँ करती है। और आज 21 साल मुझे हो गया। मैं जो समझ के आया था कि मैं जाऊँगा मवई धाम तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ आने पे माँ को जब पाया तो मुझे ऐसा लगा कि साक्षात माता जी बोल रही हैं और वही करेंगी जो मैं चाह रहा हूँ। और आज माता मवई धाम के आशीर्वाद से, माता जी की कृपा से, मेरे बच्चे, मेरा परिवार कुशल मंगल से सब बीत रहा है और बीतता चला जा रहा है। इसलिए मैं माता जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि हे जगत जननी जगदम्बा, जैसे हमार कल्याण की हो वैसे सारे संसार के कल्याण की, यही माता मवई धाम की आशीर्वाद है।